महज 12 साल की उम्र में एक फुल्ली फंक्शन वीडियो गेम बना दिया और उसे $500 में सेल भी कर दिया और उसके बाद न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल करते चले गए। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में। टेक्नोलॉजी के फील्ड का ऐसे नाम जिसे सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के जुबान पे है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दें। पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिक नामक जगह में हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी वहीं पे चली। बचपन से काफी हुनर स्टूडेंट थे, काफी रुचि थी इनकी टेक्नोलॉजी में। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली गई, टेक्नोलॉजी में रुचि औसे औसे बढ़ती चली गई। इस बात को इनके पेरेंट्स ने गौर किया कि बच्चे को इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा। तो सोचा कि हमें भी इसके इंटरेस्ट की वैल्यू करनी चाहिए, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। जो भी इसे चाहिए, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें इसको फुलफिल करना चाहिए। बचपन से इन्हें टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और साथ साथ में बिजनेस भी करना चाहते थे। एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी इनमें बचपन से ही आ गई थी, एक लीडरशिप की भावना थी इनके अंदर। इनके टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते रुझान को इनके पिताजी ने देखा और महज 10 साल की उम्र में इन्हें कंप्यूटर लाकर दे दिया। कंप्यूटर लाते ही एलन मस्क काफी खुश हो गए और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। और वहीं पर से इन्होंने खुद को कोडिंग सिखानी शुरू कर दी। कहने का मतलब, खुद कोडिंग सीखने लगे, प्रोग्रामिंग सीखने लगे। किसी की इन्होंने हेल्प नहीं ली, खुद से सीखे, इंटरनेट की मदद ली, किसी टीचर के पास नहीं गया। उस टाइम भी दोस्तों टीचर की साधन हुआ करती थी, बट इन्होंने कोई भी साधन नहीं लिया, खुद से सारी प्रोग्रामिंग सीखी, कोडिंग सीखी। और महज 12 साल की उम्र आते आते तक इन्होंने एक वीडियो गेम डेवलप कर दिया जो कि फुली फंक्शन वीडियो गेम थी। जैसे इतने कम उम्र में इन्होंने वीडियो गेम डेवलप कर दिया, सोच सकते हैं कितने होनहार स्टूडेंट होंगे और कितने तेज दिमाग के, कितने मेहनती होंगे। और दोस्तों उस वीडियो गेम को $500 में सोल्ड भी कर दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज से करीब 40 साल पहले की। उस टाइम $500 की वैल्यू कहीं ज्यादा थी आज के टाइम से, तो उस टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई साउथ अफ्रीका से पूरी करने के बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका की उस टाइम कंपलसरी मिलिट्री सर्विस हुआ करती थी, इन्हें नहीं करनी थी। इन्हें बिजनेसमैन बनना था, एंटरप्रेन्योर बनना था, इस कारण से इन्होंने कनाडा शिफ्ट कर लिया। असल में इन्हें यूएसए जाना था, तो कनाडा से यूएसए का रास्ता आसान था। हम बात करें दोस्तों वीजा से रिलेटेड, वीजा से और बहुत सारे गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं जिसको कनाडा से रिजॉल्व करना ज्यादा आसान था। इस कारण ये कनाडा शिफ्ट हो गए, वहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। लेकिन ठीक एक साल बाद यानी कि 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में एडमिशन ले लिया, जहां पर से ये इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करनी थी। वहां पर से दोस्तों अंडर ग्रेजुएट की डिग्री इन्होंने इकोनॉमिक्स में हासिल की और फिजिक्स को होल्ड पे डाल दिया। फिजिक्स की डिग्री वहां पर हासिल नहीं की, उसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, जहां पर से ये फिजिक्स में पीएचडी करने वाले थे। एडमिशन लेने के ठीक दो दिन बाद, मतलब दो दिन इन्होंने क्लास करी, उसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि अभी मैं पढ़ाई करने का समय नहीं, अब मुझे कुछ एक कंपनी बनानी है, एक नया स्टार्टअप तुरंत ही लॉन्च करना है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे इंटरनेट बूम हो रहा था, इंटरनेट मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, और उन्होंने इसका फायदा उठाया और इंटरनेट मार्केट में कूद गए और अपने भाई के साथ मिलकर पहली कंपनी जिप टू को लॉन्च कर दी 1995 में। इसे दोस्तों महज 4 साल में यानी कि 1999 में $340 मिलियन में बेच दिया। ये अपने अर्ली 20 में ही मिलियनर बन चुके थे, सो मल्टी मिलियनर अपने अर्ली 20 में ही बन चुके थे। उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 2000 में इन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च कर दी जिसका कि नाम x.com था, जिसका कि नाम दोस्तों 2001 में चेंज करके पेपल कर दिया गया। और आज भी हम इसे पेपल के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप भी जानते होंगे, पेपल दुनिया की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर की ऐप बन चुकी है, सॉफ्टवेयर बन चुकी है। कहीं पर भी इंटरनेशनल ट्रांसफर करने होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने होते हैं, तो हम पेपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं भी कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जहां पे आते हैं वहां पे मैं पेपल का ही इस्तेमाल करता हूं दोस्तों। और इस पेपल को भी इन्होंने ईबे को भेज दिया $1.5 बिलियन में, जैसे $1.5 बिलियन में इन्होंने सेल कर दिया पेपल को भी। इस पेपर में इनका 11% का स्टेक था, जहां पर से इन्हें करीब $180 मिलियन मिले। वहां पर से इन्होंने सोचा कि अब एक और नई कंपनी बनानी चाहिए, नया स्टार्टअप करना चाहिए। देख रहे दोस्तों ये रुक नहीं रहे, नई नई कंपनी बनाते चलते जा रहे हैं और उसे सेल करते जा रहे हैं। इनका डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि जो भी बनाते उसे सक्सेसफुल बना ही देते, क्योंकि बड़ा ही सोच समझ के किसी फील्ड में ये जाते हैं। उसके दोस्तों 2002 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर, कुछ इंजीनियर्स के साथ मिलकर स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी फिर से लॉन्च कर दी, इस कंपनी का मोटिव था स्पेस क्राफ्ट बनाना और कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल करवाना। जो भी लोग ट्रेवल करना चाहते थे स्पेस में, उनको ये ट्रेवल भी कराती थी कंपनी, और आज भी करा रही है।
2002 में स्टार्ट हुई थी, 2008 आया आने तक पूरा मार्केट इसने कैप्चर कर लिया था। ये अभी भी नहीं रुक रहा है दोस्तों, 2002 में स्पेसएक्स बनाई, फिर 2003 में एक और कंपनी लॉन्च कर दी जिसका कि नाम टेस्ला या फिर टेस्ला मोटर्स, जिसको कि सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे क्योंकि ये इकलौती सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी बन चुकी है, पूरी दुनिया में छा गई अभी इंडिया में नहीं। ये बहुत दिन से बातें चल रही है इंडिया में आने की और उम्मीद है मुझे दोस्तों कि जल्द ही इंडिया में भी टेस्ला मोटर्स आ जाएगी। इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि जैसा कि आपने सुना होगा ये सेल्फ ड्राइव भी करती है, इनकी कुछ मॉडल्स हैं टेस्ला की जो कि सेल्फ ड्राइव भी करती है, अपने आप कार चलती है रोड पे, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इतना ज्यादा इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी निकाल दी है इनके टेस्ला मोटर्स ने, पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया। जहां भी आप इंडिया से बाहर डेवलप्ड जगहों पे जाएंगे सभी जगह आपको टेस्ला मोटर्स मिल ही जाएगी, जिनके पास भी आजकल पैसा आ रहा है सीधा टेस्ला मोटर्स ही खरीद रहे हैं। और ये आपको बता दोस्तों उतनी ज्यादा महंगी भी नहीं जितनी महंगी होनी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे दुनिया को हेल्प करने के लिए बनाया। इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन से इलेक्ट्रिक कार में बहुत पॉल्यूशन की कमी हो जाएगी, जैसा कि आप पेट्रोल से बीच करते से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के इन्होंने इलेक्ट्रिक कार निकाला है। अभी भी दोस्तों ये रुके नहीं है, 2017 में फिर से इन्होंने एक बोरिंग कंपनी बना दी, जिस कंपनी का मोटिव था ड्रिलिंग करना, बहुत जगह पे टनल्स बनाना जहां पर कि ट्रैफिक को आसान बनाया जा सके। तो बोरिंग की कंपनी भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, इससे इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं और आज भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने बिलियन बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं इनके बोरिंग कंपनी ने भी। मतलब सोच रहे दोस्तों इनकी उम्र अभी 50 साल भी नहीं पूरी और उन्होंने इतना ज्यादा नई नई कंपनियां बना दी, इतने बड़े बड़े रिसर्च कर दिए, न जाने अभी आगे और क्या करने वाले हैं। और आपको एक और बात बता दो दोस्तों, 2013 में इन्होंने एक हाइपर लूप नाम का कॉन्सेप्ट लाया था जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड इशू को सॉल्व करती थी। ये भी दोस्तों अभी इस पर भी काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी आ जाएगी, थोड़ा कॉस्टली है, बताया जा रहा है कि 6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, एक हाइपर लूप बनाने में करीब 6 बिलियन डॉलर की कॉस्टिंग आएगी, तो थोड़ी ये महंगी है इस कारण से टाइम लग रहा है, लेकिन सोच रहे दोस्तों ये आ जाएगी तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में आसानी हो जाएगा। आप भी दोस्तों इस तरह का कुछ कर सकते हैं, आप भी दिमाग लगा सकते हैं, हमेशा सोचते रहे कि लोगों की समस्या क्या है, क्या परेशानियां आ रही हैं और परेशानियों को रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और उसी से स्टार्टअप बनाए। एलन मस्क ने भी यही किया है, वो उसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते जा रहे हैं, उन्होंने कुछ पॉल्यूशन का प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, पेमेंट को इशू को रिजॉल्व किया, टनल बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था उसके इशू को रिजॉल्व किया, ये सिर्फ प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही करते जा रहे हैं और इससे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर दें।